सब्सक्राइब कीजिए द फातिमास किचन को वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बारिश के मौसम में कच्चे केले के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बिल्कुल बनाना आसान है। इसे मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे केले के कोफ्ते। तो यहाँ पर देखिए 3 मीडियम साइज़ के कच्चे केले हैं मेरे पास में, जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली हूँ और इसे बीच से इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो कट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट मैं कट करने के बाद में इसे 2 सीटी आ जाने तक के लिए प्रेशर कुक करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कट कर ली हूँ, अब 2 सीटी मैंने इसे दे दी थी और पूरी तरीके से ये ठंडा हो चुका है। और यहाँ देखिए ये जो हमारे केले हैं अंदर से बिल्कुल तरीके से गल चुके हैं, तो इसे एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। याद रखिए जो कच्चे केले हैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ जाने के बाद में हमें इस तरीके से इसे निकालना है। और फिर मैं इसे एक फोक की मदद से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो किसी भी तरीके से इसे मैश कर सकते हैं, फोक से ये काफ़ी ईजिली हो जाते हैं मैश, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी उबले हुए हैं। तो अब देखिए जो उबले हुए केले हैं अच्छी तरीके से मैंने इन्हें मैश कर दी हूँ। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे जिससे जो हमारे कोफ्ते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, बारीक करके मैंने डाली है। साथ में धनिया की पत्ती भी मैं इसमें बारीक कटी हुई डाल देती हूँ और इसी के साथ में मैं 2 हरी मिर्चें भी इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ में नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। धनिया पाउडर है 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ और इसके साथ में यहाँ पर है अमचूर पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली है, इसलिए 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। साथ में गरम मसाला पाउडर है, ये भी मैं 1/2 छोटी चम्मच डालूंगी। और इसके साथ में यहाँ पर मैं बेसन डाल रही हूँ जो कि मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास में अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन उससे जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो बेसन की क्वांटिटी आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी 1 छोटा चम्मच है, जिससे कि हमारे कोफ्ते अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे। तो ये देखिए ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं छोटे छोटे साइज़ के। तो पहले मैं यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ जिससे कि जो बैटर है वो हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ देखिए नींबू के साइज़ के मैं बॉल्स बना के इसकी तैयार कर लूँगी, एक एक करके इसी तरीके से सारे कोफ्ते में तैयार कर लूँगी। आप अपने हिसाब से जितने साइज़ बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं, बड़ा चाहे छोटा। मैं यहाँ पे नींबू के साइज़ के बना रही हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैंने इतने कोफ्ते बना के तैयार किए हैं, तो पहले मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने पहले से तेल को गर्म होने दी थी मीडियम फ्लेम में। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया है एक एक करके मैं इसमें सारे कोफ्ते डाल दूँगी और उसे फ्राई करना शुरू करूँगी मीडियम फ्लेम में। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप कोफ्ते अपने तेल में डालते हैं तो तुरंत उन्हें स्पून से मत चलाइए, उसे 1 मिनट तक के लिए फ्राई होने दीजिए। वो हल्के से नीचे से फ्राई हो जाएंगे तो उसे आप लोग फ्लिप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाई हूँ कि हल्के से एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, तो हल्के हल्के हाथों से मैं इन्हें फ्लिप कर दे रही हूँ और मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। वरना अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे बाहर से तो ये फ्राई हो जाएगा बट अंदर से थोड़ा सा कच्चा लगेगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट लगे इन्हें फ्राई होने के लिए। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। पहले थोड़ा सा मैंने निकाल ली थी, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, लेकिन अब आप लोग देख लीजिए सारे मैंने निकाल के अलग रख ली हूँ ठंडा होने के लिए। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर ली हूँ एक दूसरी कढ़ाई में और उसमें ज़ीरा डाली हूँ 1 छोटा चम्मच। यहाँ पे कुछ खड़े गर्म मसाले डाल रही हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने क्या क्या डाली हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड करी हूँ और कुछ और भी रेसिपीज़ की लिंक वहाँ पर मैं डालती हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो खड़े गरम मसाले डालने के बाद में मैंने इसमें हींग डाली हूँ और प्याज डाली हूँ बारीक कटी हुई। प्याज को अब मैं सुनहरी हो जाने तक के लिए फ्राई करूँगी, लेकिन उसके पहले 1 बड़ा चम्मच में इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। प्याज लहसुन अदरक को मैं अब अच्छी तरीके से भून लेती हूँ ताकि जो लहसुन और अदरक की रॉ स्मेल होती है वो पूरी चली जाए।
तो अब देखिए 30 सेकंड तक के लिए फ्राई कर रही हूँ, तो लहसुन अदरक की स्मेल पूरी जा चुकी है। मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ ताकि लहसुन अदरक जल ना जाए। तो 1 से 2 मिनट लगा है सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पक जाने में। तो अब मैंने गैस को फिर से स्लो कर दी हूँ और इसमें अब मैं डाल देती हूँ सूखे मसाले, जैसे कि 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, और इसके साथ में मैं ले रही हूँ अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच। अमचूर पाउडर डालने के बाद में है हल्दी पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, और ये है गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच है ये, साथ में है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। अच्छे रंग के लिए डाल रही हूँ, अगर आपके पास में नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ में नमक डाल देती हूँ, जितना भी आप खाते हो उतना नमक डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच इसमें नमक ऐड करी हूँ। फिर से एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ, ये भून लेती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम में ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। तो 30 सेकंड्स तक के लिए मैंने सब मसालों को अच्छी तरीके से भून ली हूँ। तो अब यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर है जिन्हें मैंने एकदम बारीक सा चॉप करी हूँ, उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक इसे चॉप करने के बाद में ऐड करी हूँ। तो यहाँ देखिए सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, भुना चुकी है। तो अब यहाँ पे 2 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल देती हूँ, और साथ में कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाली है अच्छी खुशबू के लिए 1 छोटा चम्मच। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप तीखा खाते हो उसी तरीके से नमक भी आप अपने हिसाब से ऐड करिए। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें भुना चुकी है, तो 1 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेती हूँ, और 2 मिनट तक के लिए मैं इसे धीमी आंच में पकने के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी। तो 2 मिनट के बाद में जो हमारी करी है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कोफ्ते जिसे हमने फ्राई करके रखे थे। अब बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसे 30 सेकंड तक के लिए पकाने के बाद में गर्मा गर्म सर्व करूंगी कुछ धनिया की पत्ती के साथ में। तो देखिए बढ़िया तरीके से तैयार हो गए हमारे गर्मा गर्म कच्चे केले के कोफ्ते। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए। सो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।